नितेश मोटर बॉडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का बटन है उसे जरूर दबाएं हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नितेश मोटर बॉडी यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर हम आपके लिए रिस्टोरेशन का धमाकेदार वीडियो लाया है, जिसमें हम रिस्टोर करने वाले महिंद्रा बोलेरो कैंपर VX, जो कि हमारे पास 2014 का मॉडल है। आप देख सकते हो क्लोजअप शॉट्स में गाड़ी के आगे की लाइटिंग की बैलेंसिंग वगैरह, आगे की ग्रिल वगैरह सारी टूटी फूटी है और गाड़ी के फाइबर मरघट है वो भी एकदम टूट गए। आप देख सकते हो गाड़ी में क्रैश भी बहुत ज़्यादा है और रस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। पीछे की तरफ ट्रॉली की हम बात करें तो पीछे भी ट्रॉली देख सकते हो खत्म हो चुकी है, तो इसको हमें करना है रीस्टोर। तो हम इसका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। आप पीछे की तरफ देख सकते हो पीछे का टेल गेट वगैरह गाड़ी लगभग घसी हुई है पीछे से काफ़ी ज़्यादा, और अंदर का तरफ जो बॉडी कवर हुआ है चादर वगैरह फिटिंग वो भी अच्छे तरीके से नहीं की गई है। पीछे का टेल गेट भी खत्म है, देख सकते हो चादर पीछे की तरफ बिल्कुल घटिया तरीके से फिटिंग की गई। अंदर की तरफ देख सकते हो चादर के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े यूज किए गए, इसको हमने सुधारना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो आप वीडियो में चादर में काफ़ी हद तक सुधार किया जा चुका है। जो किनार थी ट्रॉली की वहाँ पे चादर फिटिंग की गई थी, वहाँ पे हमने चाबियाँ बना के लगाई है। पुरानी वाली जो एंगल लगी हुई थी उसको हटा दिया और मच्छी वाली चादर की जो चाबियाँ लगाई है ताकि काम थोड़ा प्रोफेशनल दिखे और चादर का अच्छे से लुक आ सके। पुरानी चादर को हम नहीं निकाल सकते लेकिन उसका कुछ कुछ सुधार कर सकते हैं। इस पर रिंग वाली पीछे की बॉडी बनेगी वो भी हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। पीछे का व्यू देखे तो रिंग वाली बॉडी दोस्तों गाड़ी पर बन चुकी है और इसका डाला भी खोलकर निकाल दिया गया है। जिसकी डाले की डेंटिंग वगैरह होगी वही डाला रिस्टोर होने वाला है और रिंग वाली बॉडी बन चुकी है तो ट्रॉली का मॉडिफिकेशन हो चुका है। ट्रॉली का तो मॉडिफिकेशन दोस्तों हो गया लेकिन आगे की भी डेंटिंग का काम था, तो चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। आगे की तरफ जो है बम्पर नहीं था इस गाड़ी के, पूरा टूटा फूटा था, तो उसको हमने वीडियो से पहले ही निकाल लिया और नया बम्पर देख सकते हो अब इस पे लगा दिया गया है। और अब इस बम्पर को कलर होगा, इसकी ग्रिल भी निकाल दी और कैशियो की डेंटिंग भी हो चुकी है। और ये देख सकते हो आगे का जो बॉनेट है उसको पूरा तैयार किया जा रहा है। आगे का बॉनेट जो दोस्तों था वो कस्टमर ने पहले कहीं पेंट करवाया था, रीपेंट था, जिसका कलर मैच नहीं था, उस कारण हमें इसको छोटी मोटी पेंटिंग निकाल कर फिर से पेंट करना पड़ेगा। कस्टमर को पूरा पेंट मैच करवाना था गाड़ी का, इसलिए हमने बोनट को पूरा कलर करना ठीक समझा। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस तरफ देखें तो ट्रॉली की डेंटिंग हो गई थी और अब इस पर पुट्टी वर्क किया जा रहा है। पहले दोस्तों हमने इस पर जो बॉडी फिलर था लाइट वेट वो बॉडी फिलर लगा दिया और अब इस पर PS ग्रे कलर की जो पुट्टी आती है PS ग्रे अस्तर वाली वो पुट्टी दोस्तों इस पर अप्लाई की जा रही है। आप देख सकते हो ट्रॉली में पीछे की तरफ देख सकते हो काफ़ी हद तक जो है शोल्डर भरा गया है क्योंकि डाला बहुत ही ज़्यादा डैमेज था। टेल गेट था वो हद से ज़्यादा डैमेज था तो उसको पूरा तैयार किया गया है। कस्टमर को वो ही तैयार करवाना था तो दोस्तों इसमें कुछ 19-20 रहेगा, हमने कस्टमर को पहले ही बोल दिया कुछ डेंटिंग रहेगी लेकिन इसको हमने फिर से तैयार कर दिया काफी हद तक। अब इस तरफ हम देखें तो गाड़ी में फाइनल कलर हो रहा है आप देख सकते हो, और गाड़ी का जो दोस्तों टॉप है और ऊपर वाली जो रूफ है गाड़ी की छत उस पर कलर पूरा फेड था, डैमेज था, तो वो पूरी रीपेंट हो रही है टोटली और जहाँ जहाँ हमने डेंटिंग करी वहाँ भी इसका कलर हो रहा है। आगे की तरफ देख सकते हो आप आगे का शो भी इसका रीपेंट हो रहा है और कलर पूरी गाड़ी का दोस्तों मैच कराना है तो ये बहुत ही हार्ड वर्क है। गाड़ी में कलर मैच कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब गाड़ी को कलर किए हुए पूरे 48 घंटे हो गए और उसके बाद हम गाड़ी पर रबिंग का काम शुरू कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो एमरी पॉलिश है, होती है रबिंग पॉलिश जो हम गाड़ी पर शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों गाड़ी के कलर होने के बाद 48 घंटे बाद ही रबिंग पॉलिश करनी चाहिए क्योंकि कलर की लाइफ अच्छी रहती है उसमें। और मेरे हर वीडियो में देखा है आपने कि हम हर गाड़ी को रबिंग करके देते हैं दोस्तों, इससे कलर की क्वालिटी और भी बेहतर बनती है।
फाइनली दोस्तों गाड़ी का जो फाइनल लुक है वो रेडी है। वीडियो को आपने स्टार्टिंग से देखा तो स्टार्टिंग में आपने गाड़ी को देखा होगा कैसी थी और हमने कैसी बना दी। गाड़ी में काफी कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं। पीछे की तरफ अपन देखे तो पीछे भी गाड़ी में काफी कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं। पीछे का डाला है महिंद्रा नाम लिखा हुआ, वहां मुझे पता आपको गड्ढे दिख रहे हैं। हमने कस्टमर को नया टेलगेट सजेस्ट किया था लेकिन कस्टमर के बजट के बाहर जा रहा था तो उन्होंने इसी को रिपेयर करवाया। कस्टमर इसी में हैप्पी, उन्होंने बोला मेरे को चलेगा, 19-20 होगा तो डेंट वगैरह उसमें। वीडियो में दोस्तों काफी डेंट दिख रहा है लेकिन रियलिटी में इसमें काफी कम डेंट है। और आगे की तरफ देख सकते हो आप वीडियो कैसी गाड़ी निकल के आई, ये कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।